आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे चैनल हेल्पर सीयूईटी प्रिपरेशन में। इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं एनसीईटी आईटीपी का जो फॉर्म निकला हुआ है इसकी इम्पोर्टेंट डेट क्या है, कब आपके एग्जामिनेशन होने वाले हैं, कब एडमिट कार्ड रिलीज होने वाले हैं, पूरा जो शेड्यूल है आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। कौन कौन सी यूनिवर्सिटी इस बार शामिल है, कौन कौन से कोर्सेज आपको अवेलेबल मिलेंगे और पूरी जानकारी एक एक करके इस वीडियो में फुल डिटेल के साथ आपको मिलेगी। सो मेक श्योर आप इस चैनल पर ना है तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए एनसीईटी आईटीपी से रिलेटेड हर प्रकार की अपडेट के लिए। तो चलिए देख लेते हैं क्या है इम्पोर्टेंट डेट्स। तो इसका अगर हम फॉर्म की बात करें तो ये 13 अप्रैल 2024 से ही फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। आप जाकर ऑफिशियल वेबसाइट पे, वेबसाइट का लिंक आप सभी देख सकते हैं nctsummer.ac.in, इस वेबसाइट पे जा करके आप सभी अपना फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं 30 अप्रैल तक। जो लास्ट डेट है वो है आपका 30 अप्रैल 2024 रात को 11:30 तक। अगर हम लास्ट डेट पेमेंट की बात करें तो वो भी 30 अप्रैल 2024 को 11:50 तक है, यानी कि 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया गया है पेमेंट करने के लिए। करेक्शन की अगर हम बात करें तो 2 मई से 4 मई के बीच आप कर सकते हैं। कुछ भी आपका दिक्कत होता है, फॉर्म में गड़बड़ी हो जाती है, तो आप 2 मई से लेकर के 4 मई के बीच में आप अपने फॉर्म में कोई भी करेक्शन कर सकते हैं। अगर हम बात करें सिटी ऑफ एग्जामिनेशन कब अनाउंस किया जाएगा तो लास्ट वीक ऑफ मई में अनाउंस किया जाएगा। एडमिट कार्ड की अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम से 3 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। मान लीजिए अगर आपका एग्ज़ाम 15 तारीख को है तो 12 तारीख या 13 तारीख को आपका एडमिट कार्ड NTA के वेबसाइट पर रिलीज किया जाएगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो एक ही दिन आपका एग्ज़ाम होने वाला है, वो है 12 जून 2024, यानी 3 दिन अगर हम पहले मान लें तो 9 जून 2024 को आपका एडमिट कार्ड रिलीज होगा। 12 जून 2024 को आपका एग्जामिनेशन होने वाला है और ये फाइनल डेट है आपका, आप सभी यहीं पे देख सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आप देख सकते हैं। रिजल्ट के बारे में आगे अपडेट दी जाएगी NTA के द्वारा, लगभग 20 दिन के अंदर ही एंसर की के साथ ही रिजल्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा। मान लीजिए कि जून में आपका सारा प्रोग्राम जो है एंड कर दिया जाएगा NCERT ITEP का। अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो पिछले साल जैसा ही था, यहाँ पे लिखा हुआ कि देयर आर 38 डिफरेंट लैंग्वेज, एनी 2 लैंग्वेज नीड टू बी चूज लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। तो 38 लैंग्वेज आपको लिस्ट में देखने को मिलेंगे और इसमें से ये 2 और 1 लैंग्वेज, यानी कम से कम 2 लैंग्वेज आपको चूज करना है। मान लीजिए अगर आप इंग्लिश और हिंदी चूज करते हैं या फिर इंग्लिश के साथ कोई अन्य लैंग्वेज भी चूज कर सकते हैं, जो भी आपका मन है। पूरी लिस्ट में 38 लैंग्वेज सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे आपको। अगर हम बात करें क्वेश्चन टू बी अटैम्प्ट की तो आपको यहाँ पे 2 डिफरेंट लैंग्वेज पेपर आर टू बी चूज, 2 लैंग्वेज आपको डिफरेंट, कोई भी 2 लैंग्वेज आपको चुनना है 38 में से, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन रहेंगे, 23 क्वेश्चन, और आपको 20 क्वेश्चन अटैम्प करना है जिसमें से, यानी 3 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, 20 क्वेश्चन को आपको अटैम्प करना है। अब सेक्शन 2 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा, 26 आपका डोमेन सब्जेक्ट है लिस्ट में आप देख सकते हैं। तो इसमें से कम Any 3 सब्जेक्ट चूज करना है, जो भी आप यूनिवर्सिटी चूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग। जो यूनिवर्सिटी, जैसे कि अगर आप साइंस पढ़ना चाहते हैं, मैथ से करना चाहते हैं इंटीग्रेटेड बीएड, तो आपको मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री चूज करना है, ये 3 सब्जेक्ट चूज करना है। इसी तरह से अगर आप किसी अन्य लैंग्वेज सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट चूज करना होगा, जो कि यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर आपको देखने को मिलेंगे। वहीं अगर हम बात करें जो आपका डोमेन 3 सब्जेक्ट है उसमें 28 क्वेश्चन होंगे और 25 क्वेश्चन को आपको जवाब देने हैं, 3 क्वेश्चन इसमें भी आप छोड़ सकते हैं। सेक्शन 3 की अगर हम बात करें तो सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट होने वाला है। जनरल टेस्ट में आपसे 28 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 आपको क्वेश्चन अटैम्प करने हैं। सेक्शन 4 में आपका यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, जिसमें टोटल 23 क्वेश्चन रहेंगे और 20 क्वेश्चन का जवाब आपको देना होगा। ये जो चारों सेक्शन है आप सभी के लिए कंपलसरी है, ऐसा नहीं है कि आप कोई एक सेक्शन छोड़ सकते हैं, चारों आपको कंपलसरी है, चारों देना ही है आपका एग्ज़ाम। अब चलिए आगे देख लेते हैं कि टेस्ट का पैटर्न क्या रहने वाला है। तो पैटर्न आपका ऑब्जेक्टिव टाइप विथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, और सबसे बड़ा जो सवाल था कि एग्ज़ाम कैसे होने वाला है आपका, तो एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि CBT मोड में होने वाला है और एक ही दिन ये एग्ज़ाम आपका ख़त्म भी हो जाएगा। कौन कौन से मीडियम में पेपर होगा, तो असमी, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, पंजाबी, उड़िया, तमिल और तेलुगु सहित 13 लैंग्वेज में आपका जो है पेपर होने वाला है। लैंग्वेज 1 की अगर हम बात करें तो लिस्ट में जो लैंग्वेज है उसी के हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो क्वेश्चन का सिलेबस है वो क्लास 12th लेवल से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो भी NCERT का जो सिलेबस है क्लास 12th का, जो भी सब्जेक्ट का आप एग्ज़ाम देंगे
उसी के हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके सिलेबस के हिसाब से। 11 क्लास का यहाँ पे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ 12th क्लास का ही आंसर आपको देना होगा। उसी के जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे उत्तर देने होंगे। अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आप देख सकते हैं जनरल टेस्ट का, इसमें जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जनरल टेस्ट में। टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो टॉपिक रिलेटेड टू बी टीचिंग ऑफ साइंस, आर्ट, मैथमेटिक्स, परफॉर्मिंग आर्ट, लैंग्वेज, जो टीचिंग से रिलेटेड टॉपिक है उसी को आपको कवर करना है। 6-7 टॉपिक है इसमें, ज़्यादा लंबा नहीं होता है, 10-15 दिन भी अगर आप ठीक से पढ़ लेते हैं तो टीचिंग एप्टीट्यूड आपका कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट है, आप सभी जाके वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। टोटल क्वेश्चन की बात करें तो 181 क्वेश्चन में से आपको 160 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। टोटल जो क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 181 है और 160 आपको अटैम्प्ट करना है। लैंग्वेज वन में आपका 23, लैंग्वेज टू में 23, 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड में 23, और यहाँ पे डोमेन का जो तीनों सब्जेक्ट है, जनरल टेस्ट में 28 क्वेश्चन रहने वाला, 25 को जवाब देना है, डोमेन में 28 तीनों में रहेगा और 25 क्वेश्चन का जवाब देना है। टोटल जो क्वेश्चन है वो 181 आएगा और 160 का आपको जवाब देना है। तो ये है पूरा एग्ज़ाम पैटर्न। अब हम देख लेते हैं आपका कौन कौन सी यूनिवर्सिटी इस बार शामिल है। तो लैंग्वेज सब्जेक्ट इससे पहले देख लेते हैं कौन कौन सी लैंग्वेज है आपका। हिंदी भाषा और साहित्य, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन, हिंदी फॉर कम्युनिकेशन, संचार के लिए हिंदी। ये सारे जो सब्जेक्ट है आप जो लिस्ट देख रहे हैं सेक्शन वन का, इसमें से कोई भी दो आप लैंग्वेज ले सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख लेते हैं, अगर आप इंग्लिश लेते हैं, हिंदी लेते हैं तो दो लैंग्वेज हो गया, या फिर तमिल लेते हैं, उड़िया लेते हैं या तेलुगु लेते हैं तो ये दो सब्जेक्ट हो गया। कोई भी इसमें से आपको दो सब्जेक्ट जो लिस्ट है 38 लैंग्वेज का, कोई भी आपको दो सब्जेक्ट चूज करना है इनमें से, और उनका पेपर आपको कंपलसरी देना है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू में से कोई दो ही लैंग्वेज चूज करेंगे। अब आप सेक्शन दो जो जिसमें डोमेन स्पेसिफिक आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसमें जो सब्जेक्ट है उसका लिस्ट देख सकते हैं, जो भी प्रमुख सब्जेक्ट है उसी का यहाँ पे नाम दिया गया है। 26 सब्जेक्ट है और इसमें से आपको तीन सब्जेक्ट चूज करना है। जैसे मान लेते हैं आप साइंस में पढ़ना चाहते हैं तो आपको तीन सब्जेक्ट चूज करना है। मैथ चूज कर सकते हैं, फिजिक्स चूज कर सकते हैं, कंप्यूटर चूज कर सकते हैं, या फिर मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री चूज कर सकते हैं, या बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स चूज कर सकते हैं। जो भी तीन सब्जेक्ट आप चूज करेंगे उसी के हिसाब से आपको मेजर सब्जेक्ट ऑप्शन देखने को मिलेगा जब भी आप इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स करने जाएंगे। और उसके बाद सेक्शन थ्री में आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है और सेक्शन फोर में मैंडेटरी है, यह भी जनरल टेस्ट है। अब देख लेते हैं कौन कौन सी यूनिवर्सिटी शामिल है। तो आप यूनिवर्सिटी का नाम देख सकते हैं, पिछले साल भी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी इसमें शामिल थी, 42, और इस बार टोटल जो है यूनिवर्सिटीज वो आपका 62 है। सिर्फ स्क्रोल करते मैं जा रहा हूँ, आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अगर हम IITs वगैरह की बात करें तो उसमें सिर्फ BSc BEd देखने को मिलेगा आपको, और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उसमें आपको सिर्फ सारे प्रकार के कोर्सेज देखने को मिलेंगे, जैसे BSc BEd हो गया, BA BEd हो गया, BCom BEd हो गया। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी केरला की बात करें तो यहाँ पे एक एक यूनिट में 50-50 कोर्स है सेकेंडरी लेवल का, तो तीनों ही ये कोर्स आपको देखने को मिलेंगे। IITs वगैरह की बात करें तो इसमें सिर्फ BA BEd ही कोर्स आपको देखने को मिलेंगे। पूरा आपका यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं स्क्रॉल करके पूरा जो यूनिवर्सिटीज़ का लिस्ट है वो 64 यूनिवर्सिटी इस बार शामिल है। सीट की डिटेल मैं ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुका हूँ कि जो सीट्स है आपकी लगभग 6000 के आसपास है। एक और वीडियो के माध्यम से पूरा मैं आपको एक अपडेट दूंगा कि कौन से यूनिवर्सिटीज़ में कितनी सीट है बीए बीएड के लिए, बीएससी बीएड के लिए, पूरा विस्तार से बताऊँगा। इस वीडियो में जो प्रमुख चीज़ें थी, जो प्रमुख इसमें बातें लिखी हुई है नोटिफिकेशन के माध्यम से, उसको मैंने डिस्कस कर दिया है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो में जो मैंने जानकारी दी है आपको वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। इसके रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई भी आपका परेशानी होता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, कमेंट का भी रिप्लाई आपको 12 घंटे के अंदर दिया जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।